YouTube चैनल और गाइस आप लोगों का स्वागत है मेरा YouTube चैनल बुगीज वर्ल्ड ब्लॉग में। तो गाइस जो इस टाइम में मैं किचन में आ चुकी हूँ और आज आप लोगों के लिए बुगीज वर्ल्ड ब्लॉग में मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार लाजवाब है और एक बार आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप लोग इसे ट्राई करते हो तो इसे यकीन मानिए कि आपके घर में जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे बहुत ही इसको चाव से खाएंगे। और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में यूज़ किया जाता है और ये बहुत ही आसानी से आपके घर में उपलब्ध हो जाता है। इसके लिए आपको मार्केट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे या फिर कुछ भी, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से आपके घर में उपलब्ध हो जाएगा। और इसे जो है बनाना भी बहुत ईजी है और ये आप सुबह के नाश्ते में भी ले सकते हो या फिर अगर आप चाहते हो तो इवनिंग टाइम में भी नाश्ते में ले सकते हो, चाय के साथ खा सकते हो, आपकी मर्जी। आप पराठे को चाय के साथ खाओ, चटनी के साथ, किसी भी चीज़ का। तो गाइस आप लोग शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखिएगा, इसके बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो लाइक पसंद आती है तो प्लीज़ यार लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू आप तक पहुँच जाए। और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है। तो आज की जो रेसिपी है मैं स्टार्ट करती हूँ और एक बार ज़रूर ट्राई ज़रूर करें और प्लीज़ मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है आज बुगीज वर्ल्ड ब्लॉग में इजी एंड क्विक स्टफ पराठा ऑफ ओनियन। आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किया गया है इस रेसिपी को बनाने के लिए, साथ ही ये बहुत ही क्रिस्पी एंड बहुत ही लुकिंग डिलीशियस यम्मी है। तो आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें और फीडबैक ज़रूर दें। यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ ओनियंस जिनको अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर लिया है और साथ ही यहाँ पे आप देखें कि ये है थोड़े से अचार के मसाले, ये बहुत ही देसी अचार मसाला है हमारा। और साथ ही इधर लिए है मैंने हरे मिर्च। अब हमने जो भी ओनियंस लिए थे उन सभी ओनियंस को स्लाइसेस में काट लिया है, साथ ही इधर जो हरी मिर्च था उसको पीसेस में काट लिए है एंड साथ में इधर लिया है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही है ये अचार मसाला। तो इन इंग्रेडिएंट्स को मिला करके हम बनाएंगे आज का स्टफ पराठा ओनियन। हम इधर लेंगे एक बाउल या फिर कढ़ाई, आप कुछ भी ले सकते हो, और जैसे ही वो हमारा गर्म हो जाता है हम उसके अंदर ऐड करेंगे इसके अंदर ऑयल। अगर आप चाहो तो इसकी जगह फॉर्चून यूज़ कर सकते हो या फिर आप घी का यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो गया था हमने इसके अंदर ऐड किया है हरी मिर्च के, जो कि हमने पहले से इसको स्लाइसेस काट के रखे हुए थे। साथ ही इसके अंदर ऐड किया है हमने अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर इनको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे जब तक कि ये अच्छी तरीके से फ्राई नहीं हो जाता, जब तक कि इस पर कलर जो है वो ब्राउन नहीं आ जाता, तब तक हम इनको अच्छी तरीके से पकाएंगे। जैसे ही हमारा इस पर आप देख सकते हो कि गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, तो अब हम इसके अंदर जो है प्याज को, ऑनियन को मतलब कि ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। गाइस आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी हमारा ओनियन स्टफ पराठा है वो पूरा ओनियन पे ही डिपेंड करता है, तो जो कि हमें ओनियंस को अच्छी तरीके से गलाना है तो इसलिए जो भी ये है उन सबको अलग अलग करना है ओनियंस को। फिर इसको अच्छी तरीके से 3 to 4 मिनट्स तक इनको अच्छी तरीके से पकाना है और जब तक ये इन पे ब्राउन गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हम इनको अच्छी तरीके से थोड़ी थोड़ी देर पे इसको अच्छी तरीके से मिक्सअप करेंगे। और जैसे हमारा थोड़ा बहुत प्याज जो है गलने लग जाता है इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। नमक जो है आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हो। और नमक ऐड करने के बाद इसको कम से कम 3 से 4 मिनट तक पकाना है, जब तक कि जो हमारा प्याज है वो अच्छी तरीके से गल नहीं जाता तब तक हम इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे। अब जो आप देख सकते हो कि ये प्याज जो है हल्का हल्का गलने लग गया था और जो भी स्लाइसेस हैं पक चुके हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा अगर आप रेड मिर्च पाउडर डालना चाहते हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हो। अगर आपके पास मैगी मसाला तो भी ऐड कर सकते हो। और इसको और ज़्यादा स्पाइसेस बनाने के लिए हमने इसके अंदर ऐड किया है अचार का मसाला। तो अब आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके से बिल्कुल प्याज एकदम गल चुका है और ये जो है बिल्कुल एकदम रेडी हो चुका है बनने के लिए। ये देखिए आप,
तो ये बस तैयार हो चुका है और ये बहुत ही स्पाइसी बना है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए कितना स्पाइसी लग रहा है ये। और मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले से आटा गूंद लिया था, तो अब हम आटे की लोई लेंगे और लोइयां बनाएंगे। अगर आप चाहो तो वो इसके अंदर भी उसको, मतलब कि जो हमने पेस्ट आटे की लोई बनाएंगे और जस्ट ऐसे, अगर आप चाहो तो पहले से स्टफ भर के पराठा बना सकते हो वो, और अगर आप चाहो तो इस स्टाइल से भी बना सकते हो, जैसे पहले जस्ट ऐसे नॉर्मल रोटी हम जैसे बनाते हैं वैसे बना सकते हैं। और उसके ऊपर से आप इस तरीके से देखिए, आप स्पून की हेल्प से या फिर किसी भी चीज़ की हेल्प से आप थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ऐसे करके डालें। अगर आपको सर्कल वाला नहीं खाना है, अगर आपको दूसरे शेप का खाना है, तो आप इस तरीके कैसे बना सकते हैं। और ये जो स्टफ़ है उसको बहुत ही सावधानी से भरना पड़ता है, ताकि जो हमारा पराठा है वो खुल ना जाए और हमारा जो ये स्टफ़ है वो निकल ना जाए। तो इस तरीके से आप देखिए इसे चारों तरफ से अच्छी तरीके से मोड़ लेना है, ताकि जो हमारा स्टफ़ है वो बाहर ना निकले। बिकॉज़ जो ओनियन होता है उसके अंदर वाटर ऑलरेडी क्वान्टिटी ज़्यादा होती है। तो अब आप देखिए इस तरीके से आटे, सूखे आटे के अंदर डाल के और इस तरीके से बेलेंगे। जस्ट दोबारा अगेन वही रिपीट करेंगे, रोटी की तरह बनाएंगे और फिर उसके अंदर सावधानी से जो है ऐसे स्टफ़ भर लेंगे और चारों तरफ से मोड़ लेंगे। चारों तरफ से मोड़ने के बाद आपको अच्छी तरीके से, मतलब देखना है कि आपका ये कहीं से निकल तो नहीं रहा हाँ, और फिर उसको आपको अच्छी तरीके से टाइट करके इस तरीके से आप देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो स्टफ बिल्कुल भी बाहर ना निकले, तो ये देखिए इस तरीके से चारों तरफ से ये देखिए ऐसे करें। और फिर ये बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। तो ये आप देखें इस तरीके से बना लेंगे हम। देखिए अभी फ़िलहाल मैंने ये दो पराठे बनाए, अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बना है, ठीक है। और इस तरफ जो है मैंने चढ़ा लिया है तावा, और जैसे ही हमारा तावा गर्म होता है, हम इसके अंदर जो है हमने पराठे बनाए हम उसको डाल देंगे। जैसे ही ये पराठा हमारा एक तरफ से पक जाता है, हम उसको दूसरी तरफ पलट देंगे और पके हुए साइड में आप चाहो तो घी लगा सकते हो या फिर फॉर्चून का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे फॉर्चून लिया है। जैसे ही हमारा दूसरी साइड भी पक जाता है सेम एज प्रोसेस, हमें उसे दूसरी तरफ भी पलटना है और उस साइड भी हमें फॉर्चून यूज़ किया है मैंने। अब आप देखें कि ये पराठा जो है कितना क्रिस्पी बना हुआ है, इसकी खुशबू भी है जो कि बहुत ही अच्छी आ रही है। तो सेम प्रोसेस ऐसे दूसरे पराठे को भी इस पर डालना है। और जैसे फर्स्ट साइड पक जाता है तो हमें उसे अगेन पलटना है और फिर उस पर अच्छी तरीके से लगाना है। ऑयल यूज़ कर लिया है। फिर जैसे दूसरी साइड भी हमारा पक गया था, तो हमने दूसरी साइड भी पलट के वापस से ऑयल लगा लिया है अच्छी तरीके से। अब आप इस तरीके से देखें और ये हमारा लगभग मोस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो गाइज़ आज की जो रेसिपी है बूवीज़ वर्ल्ड ब्लॉग में, तो आप लोग बताएं कि आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी। इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और साथ ही आप भी ट्राई ज़रूर करें। गाइज़ फीडबैक में ज़रूर बता के जाए कि आपको ये आज की रेसिपी जो है वो कैसी लगी। और गाइज़ अगर आप और भी मोर वीडियोस पाना चाहते हैं मुझसे रिलेटेड, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ कोई दूसरी ये रेसिपी शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में इनबॉक्स में भी बता सकते हो और कि मैं आप लोगों के लिए कौन सी रेसिपी शेयर करूं। और गाइस इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, दिल से आभार रहूँगी आप लोगों का। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।